मम्मी जी, अगर अमन के आने तक ये दोनों यहाँ रुकना चाहती है तो हम रुक जाते हैं ना। माधुरी माँ, हमें गौरी की बात मान लेनी चाहिए। दी, आप चलिए मेरे साथ, दवाई का वक्त हो गया है। ये गौरी कुछ तो करने वाली है, कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। अब ये कौन सी चाल चलने वाली है, मुझे इस पर ध्यान रखना होगा। मेरी अच्छी सी दी, दिया ही। दी, मैं जानती हूँ आप अमन को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड है, प्लीज मत होइए। हम सब है ना, हम सब उसे ढूंढ लेंगे। और अगर अमन वापस आएगा और आपको इस हालत में देखेगा तो उसे कैसा लगेगा? मैं आपको दवाई देती हूँ। सॉरी दी, मैं आपको नींद की दवा दे रही हूँ क्योंकि आपके बाल लेने के लिए आपको बेहोश करना जरूरी है। दवाई खाइए और थोड़ी देर आराम कीजिए। चलिए। ये क्या, 20 मिनट हो गए दी को दवा दिए पर ये अब तक सोई नहीं। दी, आंखें बंद कीजिए ना, सो जाइए। मुझे नींद नहीं आ रही। ये कैसे, मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग दवा दी फिर भी दी को नींद नहीं आ रही है। मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ, अच्छा लगेगा। लेकिन दी, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में गौरी। करुणा, दी, करुणा, दी, गौरी पानी लेके आओ। करुणा, दी, ओह थैंक गॉड। मैंने दी को इतनी स्ट्रॉन्ग दवा दी जिसे लेते ही इंसान को उसी पल नींद आ जाती है। दी को नहीं आई पर राज को सामने देखते ही बेहोश होने का नाटक, ये सब क्यों कर रही है दी? थैंक गॉड, मुझे लगा तुम बेहोश हो गई हो, पर तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम कॉरिडोर में क्या कर रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए था। राज, हम दी को कमरे में लेकर चलते हैं, जब भी दी को टेंशन होती है उनका सिर दर्द करता है। दी, मैं आपको तेल की चंपी करके देती हूँ, आपको बेटर फील होगा। हाँ ठीक है। नहीं, ये मेरी करुणा दी नहीं हो सकती, कुछ तो बहुत गलत हुआ है। दी को तो तेल से बहुत नफरत है पर आज तेल के लिए झट से हाँ बोल दिया, अब मैं क्या करूं? आराम से बैठ जा, मैं तेल लाती हूँ। Don't worry, you're gonna be fine, okay? चलो तुम मालिश करो, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो राज, दी से बात करो ना, उन्हें अच्छा लगेगा, बैठो। ओके, मैं पानी लेके आया। थैंक यू। अभी कैसा लग रहा है? ये सही मौका है दी के बाल लेने का।
दवाई का कुछ असर हो रहा है? अभी तो यकीन हो गया ना कि कुछ गलत नहीं होने वाला है। Everything's gonna be fine. You just have to be strong. सुन, जैसे ही गौरी बाहर जाए तो राज को मार देना। आज उसका अंत तुझे करना है। दी, कैसा लग रहा है आपको? बेटर है, थैंक यू। अरे वाह। ओ अंकल, तो आखिर तुम मान ही गई बालों में तेल लगाने के लिए? नहीं नहीं, मैं चलता हूं, मुझे कुछ जरूरी काम है। अब ये दोनों भी आ गए, आने दो। आने वाले को जाना भी है। चले जाएंगे, पर जब ये गौरी बाहर जाए तो तू अपना काम कर देना। और सुन, एक बात याद रहे, किसी के सामने कुछ मत करना। करुणा, गौरी ने तेरे बाल काट लिए। कहाँ जा रही है गौरी? अब दी, आप बैठिए ना, बैठिए। ये तेरे हाथ में क्या है? बाल। मेरा मतलब है कि मैंने आपकी चंपी की थी ना तेल से, तो तेल है। लेकिन जा कहाँ रही? मैं हाथ धोने जा रही हूँ दी, आप बैठिए। अरे तुम कहाँ चली? बैठो यहाँ मेरे पास। वो गौरी तेरे बाल को लेकर जा रही है। तो ये चाल थी उसकी, उसे शक हो गया है, तेरा सच जाना चाहती है। देख, वो जा रही है। अब इस गौरी पर मुझे ही नजर रखनी होगी, वरना इसे तुझ पर शक हो गया तो फिर तो वो नहीं कर पाएगी जो तुझे करना है। अब जो करना है मैं करूंगा। भगवान जी, कहते हैं ना, जब कोई रास्ता नहीं होता तो आप होते हो। भगवान जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी फैमिली बहुत मुसीबत में है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। पंडित जी, क्या हुआ? तुम विंडो के पास क्या कर रही हो? राज, वो मैं बस खुली हवा में यूं ही। राज, मुझसे दी की हालत देखी नहीं जाती। आई अंडरस्टैंड, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। और वैसे भी ऐसी शक्ल के साथ ना एकदम फ्राइड पीली मिर्च लग रही हो तुम। चुप, जलूटिन देख। देखा, टेंशन छू बंतर। अब तुम कभी नहीं पछताओगी कि तुम रात से क्यों मिली। अच्छा, ये लीजिए, इसे पकड़िए। अब मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगी और आप देखेंगे कि उस दिन उस लड़की ने क्या देखा था। जो दिखेगा केवल आपको दिखेगा, क्योंकि ये बाल आप लेकर आए हैं मेरे पास। मैं केवल आपकी मदद कर सकती हूँ।